भाईजान सलमान खान की फिल्म का रिलीज का मौका यानी कि दबंग 3 रिलीज होती है दोस्तों, और दबंग 3 अपने पहले दिन 24.5 करोड़ का ट्रेमेंडस बिजनेस करती है। आइए इस वीडियो में बताता हूं कि भाई की फिल्म का कौन से नंबर पर स्थान है टॉप 5 ग्रॉसिंग फिल्मों में। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज, स्वागत करता हूं आप सभी का आप लोगों के फेवरेट चैनल में। भाई इस साल दोस्तों एक से एक भयंकर फिल्में रिलीज हुई जो कि बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा देती हैं अपने पहले ही दिन, जिसमें से हम सबको पता है कि वॉर नंबर 1 पर थी। वॉर ने जो कमाई करी दोस्तों उसको अभी तक इंडियन बॉक्स ऑफिस में कोई भी कलेक्ट नहीं कर पाया। टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन का ये चांद था। आइए इस वीडियो में बताता हूं कि टॉप 5 इस साल की अभी तक की कौन सी पहले दिन की ग्रॉसर फिल्म्स हैं। तो भाई मैं पीछे से स्टार्ट करता हूं यानी कि 5th नंबर से दोस्तों। तो 5th नंबर पर है साहो यानी कि हमारे बाहुबली प्रभास की फिल्म। प्रभास और नीलितिन मुकेश, श्रद्धा कपूर, ये फिल्म ने दोस्तों हिंदी क्षेत्र में अपने पहले दिन 24.4 करोड़ का ट्रेमेंडस बिजनेस किया था। वही दोस्तों अगर बात करें तो नंबर फोर्थ पर आती है दबंग 3। दबंग 3 ने दोस्तों 24.5 करोड़ का बिजनेस किया जो कि बहुत ज्यादा ह्यूज है। एंड फिर उसके बाद आती है दोस्तों नंबर 3 पर मिशन मंगल, खिलाड़ी कुमार की फिल्म थी जिसे क्लैश का भी सामना करना पड़ा था दोस्तों जॉन अब्राहम की फिल्म बाटला हाउस से, और इस फिल्म ने 29.16 करोड़ का ह्यूज बिजनेस किया था। नंबर 2 पर आती है दोस्तों भारत, जिसने 42.30 करोड़ का बिजनेस किया। कॉन्सेप्ट वाइज भारत बहुत अच्छी फिल्म थी दोस्तों। एंड नंबर 1 पर आती है ऑफकोर्स ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म वॉर, जिसने दोस्तों 53.35 करोड़ का बिजनेस किया, जिसने कि दोस्तों ये टर्क्स ऑफ हिंदुस्तान के ह्यूज बिजनेस को भी पीछे छोड़ दिया। अब दोस्तों आगे आने वाली अगर 2019 में फिल्म है तो वो है गुड न्यूज। गुड न्यूज अपने पहले दिन कितना कमाई करेगी ये बहुत बड़ी बात है, और क्या गुड न्यूज इन पांचों में से पहले दिन की लिस्ट में से कहीं जगह बना पाएगी? आप लोगों को क्या लगता है, आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जाएं मुझे जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, कीप ऑन वॉचिंग।